हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो आज हम होली स्पेशल मावा की गुजिया बनाएंगे जो बहुत ही खस्ता बनेगी। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना के खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम मावा की खस्ता गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है। तो इसमें हम मौंड के लिए 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इससे जो हमारी गुजिया वो अच्छी खस्ता बनेगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इसी से जो हमारी गुजिया वो अच्छी खस्ता बनेगी। ये घी हमारा मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये हाथों में बाइंड भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने मौंड ऐड किया वो एकदम परफेक्ट है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा टाइट डो तैयार है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे लिए रखेंगे। तो जब तक हमारा डो सेट होगा तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। गुजिया के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम खोया लिया है, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। तो यहाँ इसे हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। तो इसे हमें तब तक भुनना है जब तक जो हमारा खोया है वो घी ना छोड़ने लगे। तो इसे आप लगातार चलाते हुए भून लें धीमी आँच में। तो खोए को हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। तो ये अच्छा घी छोड़ने लग गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये मावा हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून नारियल बूरा ऐड करेंगे। थ्री टेबल स्पून हम काजू बादाम का पाउडर ऐड करेंगे, जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया था। किशमिश ऐड करेंगे 8 से 10। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और 4 टेबलस्पून हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको मीठा कम पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं और ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून डालेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारी स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। तो अब हम डो को देख लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है तो हमारा जो डो है वो सेट हो चुका है। तो इसकी हम लोइया बना लेंगे, इसके 2 भाग कर लेंगे। और इसकी छोटी छोटी लोइया बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं। और इसे हाथों में एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। और इसे अब हम बेल लेते हैं। तो इसे हमने पूरी की तरह बेल लिया है। तो अब हम गुजिया मेकर लेंगे। और इस तरह से इसे बिछा लेंगे और इसके चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे सील करने के लिए। और बीच में हम इसकी स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से इसे पैक कर लेंगे, बंद कर लेंगे। और जितना भी इसका एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ही और बहुत ही आसानी से ये हमारी गुजिया बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे गुजिया मेकर में। ये सारी गुजिया हमने बना ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को हल्का गरम कर लिया है। तो इसमें हम गुजिया ऐड करेंगे। तो ज़्यादा गरम तेल को ना करें, हल्का ही गरम करें। और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छी खस्ता रहेंगी। इसे आप तेज गैस पे फ्राई ना करें, नहीं तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची ही रहेंगी। इसलिए आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। जैसे जैसे ये फ्राई होंगी वैसे वैसे इनके कलर चेंज होता जाएगा।
तो बीच बीच में हम इसे फ्लिप करते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी गोल्डन हो जाए। इन्हें हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छी खस्ता बने। ये गुजिया हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है और अच्छी खस्ता हो चुकी है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी गुजिया। इसी तरह हम बाकी गुजियों को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारी खस्ता गुजिया बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।